Hello students. Students, today we are going to discuss the questions of chapter 1 of class 8, Abdul Hamid. Let's start the questions. Here is question number 1. Who was Abdul Hamid? Who was Abdul Hamid? Abdul Hamid kaun tha? Abdul Hamid was a company quartermaster hawaldar of 4 grenadiers. Jo Abdul Hamid tha, wo kaun tha? Company quartermaster hawaldar tha. Kiska? 4 grenadiers ka. उसके बाद विच सेक्टर वॉज अब्दुल हामिद फाइटिंग इन? अब्दुल हामिद किस सेक्टर में फाइट कर रहा था? अब्दुल हामिद वॉज फाइटिंग इन द खेमकरन सेक्टर. वो खेमकरन सेक्टर में फाइट कर रहा था. वेयर इज द विलेज नेम्ड चीमा सिचुएटेड? जो चीमा विलेज है वो कहाँ पर था? विलेज चीमा इज सिचुएटेड ऑन द बॉर्डर. जो विलेज चीमा वो कहाँ पे था? बॉर्डर पे था, सीमा पे था. व्हाट सॉर्ट ऑफ टैंक्स डिड पाकिस्तान हैव? पाकिस्तान के पास कैसे टैंक्स थे? पाकिस्तान हैड The patent tanks which were very powerful and dangerous. Pakistan ke paas patent tanks the jo bahut zyada powerful the and dangerous the. Next hai, what made the Indian soldiers happy? Indian soldiers ko kaun si cheez hai jo happy bana rahi thi? Abdul Hamid sent a Pakistani tank in flames with a shot. Jo Abdul Hamid tha usne apne ek shot matlab ek nishane se Pakistani tank mein aag laga di thi. This made the Indian soldiers happy. ये Indian soldiers को happy बना रही थी. Next question number 6. How did Hamid destroy the enemy tanks? Hamid ने enemy tanks को कैसे destroy किया? Abdul Hamid was a good shot. Abdul Hamid एक अच्छा निशानची था. Good shot मतलब अच्छा निशानची. Beside he had a special gun. उसके पास एक special gun थी. He destroyed the enemy tanks with his gun. उसने अपनी gun से enemy tanks को destroy कर दिया था. उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7. हाउ डिड हामिद फायर द एनिमी एंड व्हाट हैपेंड टू हिम? अब्दुल हामिद ने अपनी एनिमी के साथ, अपने दुश्मनों के साथ कैसे लड़ाई की और बाद में उसको क्या हो गया था? हामिद फायर द एनिमी ब्रेवली एंड डिस्ट्रॉय देयर 3 टैंक्स. जो हामिद है उसने बहुत बहादुरी से लड़ाई की और उनके 3 टैंक्स को डिस्ट्रॉय कर दिया. मतलब 3 टैंक्स डिस्ट्रॉय कर दिए, तबाह कर दिए. बट One of the shell of enemy hit his jeep. But क्या हुआ कि enemies का एक गोला आया और उसने उसकी जीप को हिट किया. जीप को आके लग गया वो. He fell down and was badly wounded. वो नीचे गिर गया और उसे बहुत बुरी तरह से चोट लगी. Next question है, How was Hamid honored for his bravery? Hamid को उसकी बहादुरी के लिए कैसे सम्मानित किया गया या फिर क्या पुरस्कार दिया गया? Hamid was awarded the Paramvir Chakra posthumously for his bravery. जो हामिद था उसे परमवीर चक्र दिया गया उसकी ब्रेवरी के लिए. यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है posthumously. इसका मतलब क्या होता है? मरने के बाद. हामिद के मरने के बाद उसे परमवीर चक्र का अवार्ड दिया गया. इसके बाद है आपका लास्ट क्वेश्चन, हाउ डू यू फील अबाउट अब्दुल हामिद आफ्टर रीडिंग द स्टोरी ऑफ हिज ब्रेवरी? आपको अब्दुल हामिद की स्टोरी पढ़ने के बाद कैसा फील हो रहा है आपने ये बताना है. वी फील प्राउड ऑफ हिम, हमें उस पर गर्व है. हिज नेम विल ऑलवेज बी रिमेम्बर्ड बाय द पीपल ऑफ आर कंट्री. जो उसका नाम है वो हमारे कंट्री के लोगों की ओर से हमेशा याद रखा जाएगा. ठीक है, तो बच्चों ये थे आपके चैप्टर 1 अब्दुल हामिद के क्वेश्चन आंसर्स. इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन और वर्ड मीनिंग्स मैं आपके साथ पहले ही शेयर कर चुकी हूँ. होप आप लोगों ने वहाँ से चेक कर लिए होंगे. थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माई वीडियो. थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो. अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन दबाएं और मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें. थैंक यू.